आप ये वीडियो देखिए। कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना। कैसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है, घर में हम नहीं रह सकते। का बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। पूरी सारे दिन पूजा पाठ करता रहता है, सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन रहता है, शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। मेरा जितना उतना ही कर लो, ये सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। भगवान को भी गालियाँ देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? संतों को कहते, प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इतना गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। गुरु जी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं, हम रख लेंगे। क्यों गाली देते हो संतों को? मैं तो नहीं देता गुरु जी, ऐसे ही बोली जा रहे हैं। ये माँ तो मना कर रही है आपकी। पढ़ाई छोड़ दी नहीं, इसको बोलते है भाई है? ये पढ़ाई छोड़ दी है ना, जब इसको बोलते हैं हम, भाई बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी तू? हाँ, तो पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी, अभी ये बताओ। मैंने इसको ऐसे बोला था, भाई बेटा तू 10वीं कर ले, जब मर्जी तू चाहे वृंदावन में जाके तुम्हारा एडमिशन करवा लेना। ठीक है, बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं क्लास पूरी भी नहीं की है अभी भी, और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात कराओ, पूछो इसको। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, और पढ़ते लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। गुरुजी आपने कलकत्ता में कहा था कि एक बार सबको दो, दो तीन बार सबको मौका दो, हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो, इसलिए दास ने ये निश्चय लिया था कि दोनों बहुत ऐसे। माँ बाप को त्यागा नहीं जाता, माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा थोड़ा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं है? ये ना भक्त संतों, दास को जो मर्जी कह दो पर संतों को कुछ ना कहो। वाह, बच्चों को पढ़ने के लिए घर में मांस मदिरा खाते, तकलीफ तो। आपकी माँ भी मांस खाती है? तो सब खाते घर में सारे, पूरा 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 घर बदबू बदबू से हो जाता है, पूरे घर में बदबू लाते हैं। कहीं कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। देखो बच्चा रो रहा है, और तो मुर्गी खा रही हो मैया। प्लीज गुरु जी रख लीजिए ना दास। रख लेंगे अभी रख लीजिए ना। ठीक है, अभी रख लेते हैं। ठीक है अभी रख लेते हैं। तो मैया मांस क्यों खाती हो इतना ज्यादा के बच्चे? देखिए बच्चों के, देखो इतने आप लोग ना जो हत्या करते हैं, बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे किसी का दर्द समझते हैं। आप लोग बताइए, बड़े होके किसी का दर्द नहीं समझ रहे। माइक दीजिए पीछे, मांस खाने वाली मैया से बात कराओ। मैया खड़ी हो जाओ। हाँ जी, क्यों इतना मांस खाती हो कि बच्चे देखिए कितना उनको मन में कितना बैठा हुआ है डर। गुरु जी क्या करें, घर में जो खाते हैं सभी खाते हैं। अरे तो सास ससुर भी खाते हैं, अभी जो है घर में स्थिति है वो ही चलेगी। तो सब मूर्ख हैं, तो तुम भी मूर्ख रहोगे। गुरु जी ये कहते हैं कि ना नरक भोगना तो भोग लूंगी, पर मैं मांस खा के रहूंगी। पर ये है कि ना, ये कहते हैं कि ना तू जो मर्जी कर लेगा, जो मर्जी मुझे कहते मैं खाऊंगी, तू क्या कर लेगा, तेरा जिस मर्जी के पास ले जा, पर मैं तुझे कहीं मैं छोड़ूंगी नहीं कभी। इसलिए गुरु जी, इसलिए दास ये पूरा रात रात को दारू पी पी के आते हैं, बहुत पूरा पूरा कमरा बांसता है। 3 कमरे है ना घर में, 2 ही कमरे, इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो हम अपना। आप लोग यदि ठीक हो जाओ तो दादा दादी की तो छोड़ दो, हम अपना अपमान सह लेंगे। पर बच्चे देखिए, माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करते, और आपका बच्चा कितना अच्छा है कि आप लोगों को शराब मांस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। देखिए बच्चा अपने माँ बाप से स्ट्रगल कर रहा, लड़ रहा है कि छोड़ दो हर बुरी चीज को। और आप लोग अपने, आपके घर में कोई संत का जन्म हुआ, वो संत भाव में है, और आप लोग समझ नहीं रहे, पता नहीं कौन से राक्षस हैं आप लोग। गुरु जी वो जो इन्होंने, मैंने सुबह हमेशा कहते पिताजी छोड़ दो ये पाप है, तो कहते तू मुझे आदेश देने वाला कौन है, तो मैं तुझे आदेश दूंगा, तू थोड़ी दे सकता है मुझे। हाँ, आदेश मतलब बाप हो तो बेटा सही भी बताएगा, तो आप उसे गलत सिद्ध कर दोगे। अरे भाई बाप हो पर हो तो गलत ना, बाप हो पर बाप होकर भी तुम्हारी जितनी बुद्धि उसके पास है उतनी तुम्हारे बाप के पास नहीं है बुद्धि। तुम्हारा बाप भी अनपढ़ मूर्ख एक नंबर का, जो शराब पीता है। गुरु जी सारे घर में बड़े पिताजी नीचे से लट्टू होकर के गिर गिर के नालियों में पड़ पड़ के आते हैं, बहुत गंदा लगता है दास को। सही है, रातों रात लड़ा। तुम्हारे वंश में कोई बहुत बड़ा पुण्य था किसी का, कि ऐसा भक्त का जन्म हो गया, वरना
तुम सबको यही बचाएगा नर्क जाने से, वरना तुम सीधे नर्क की टिकट। गुरु जी घर में बहुत गंदे गंदे गालियां निकालते हैं ये सारे, लड़ाई अपने भाइयों से लड़ाई करी हुई है, सबसे लड़ाई करते हैं ये, और बहुत गंदे गंदे गालियां निकालते हैं ये। आप इनसे कहते गालियां मत निकाला करो किसी को, और जैसे वो वाली नहीं, वो गंदे गंदी गालियां होती है वो निकालते हैं ये। क्यों गंदी गालियां बोलते हो, बच्चे सुनते हैं अच्छा प्रभाव पड़ेगा? नहीं बोलता गुरु जी। अच्छे शब्दों का बेटा, बच्चों के साथ ना मर्यादित रहना चाहिए, जो आप कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, अच्छा और बुरा दोनों, इसलिए थोड़ा माँ बाप को ना जिम्मेदारी से रहना चाहिए। और शराब छोड़ देने से क्या आफत आ रही है आपको, मांस छोड़ने से क्या भूखन मर जाएंगे आप? हम तो नहीं खाते मांस, वो भी नहीं खाता बच्चा।